अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सोमीज कुजीन। तो जी आज बनाएंगे सहरी स्पेशल में निहारी। तो ये निहारी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ की निहारी। तो आप चाहें तो लैम की भी बना सकते हैं निहारी, लेकिन आज की जो रेसिपी है ये स्पेशल बीफ निहारी की है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 kg बीफ। तो निहारी जो बनती है वो हमेशा हड्डी वाले मीट की बनती है, या फिर सबसे अच्छी जो निहारी बनती है वो बोंग के मीट की होती है। तो आप चाहें तो बोंग का मीट ले लें, या फिर आप हड्डी वाला ले लें बीफ। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 tablespoon जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसमें हम डालेंगे यहाँ पे निहारी मसाला। तो आप किसी भी ब्रांड का निहारी मसाला यूज कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे आज पैकेट का निहारी मसाला यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास अभी होममेड निहारी मसाला अवेलेबल नहीं था। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ होममेड निहारी मसाला की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। और हम इसमें डालेंगे यहाँ पे 1/2 teaspoon के करीब सफ़ेद ज़ीरा, 2 इसमें डालेंगे ग्रीन इलायची, और 2 से 3 डालेंगे लौंग। इसके अलावा इसमें जाएंगे टमाटर। तो टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो बेशक स्किप कर दें। तो मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ सिर्फ 2 tablespoon, इससे एक बहुत थिक सी ग्रेवी रेडी हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो बेशक मत डालें। निहारी में टमाटर डालना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 medium size के प्याज। तो इनको मैंने बहुत ही बारीक इसे स्लाइस कट कर लिया है। तो निहारी में जो प्याज जाता है उसको बहुत बारीक काटा जाता है। तो आधा प्याज हम निहारी में डालेंगे और आधे को हम ब्राउन करके निकाल लेंगे एंड पे गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई स्पाइसेस ले लिए हैं, तो ये सारे इसमें नहीं जाएंगे। इनमें से सिर्फ जाएगा सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, और इसमें जाएगा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी, और बनाते हैं मज़ेदार सी निहारी। तो आज हम बीफ निहारी बना रहे हैं, इसलिए मैंने लिया है यहाँ पे प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे 2 से 3 tablespoon के करीब कुकिंग ऑयल, और ऑयल के गर्म होते ही साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। और जब प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें डाल देंगे मीट। तो जब प्याज ब्राउन हो गई थी तो आधी मैंने इसमें से निकाल दी थी, जो कि एंड में मैं यूज करूंगी निहारी की गार्निशिंग के लिए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे अपने होल स्पाइसेस और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और मिक्स कर लेंगे। तो जब मीट का कलर चेंज हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे निहारी मसाला। तो इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 tablespoon के करीब निहारी मसाला, और इसमें ऐड करेंगे 1/2 tablespoon सॉल्ट, 1 teaspoon धनिया पाउडर, और 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से मसाले में हम मीट को भूनेंगे। और जब मीट अच्छे तरीके से भुन जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पे बीफ की निहारी बन रही है, इसलिए पानी मैंने थोड़ा ज्यादा ऐड किया है, क्योंकि बीफ गलने में टाइम लेता है। तो अगर आप लैम की निहारी बनाएं तो पानी इतना ऐड करें जिसमें पूरे मीट जो है वो अच्छे तरीके से डिप हो जाए। तो चूल्हे की फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम टू हाई पे, और जब पानी में बॉयल आ जाए तो अब हम इसको प्रेशर दे देंगे ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट तक। तो जब तक निहारी कुक हो रही है यहाँ पे रेडी कर लेते हैं निहारी के लिए बैटर। तो ये बहुत जरूरी होता है, इसके बगैर निहारी थिक नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 tablespoon के करीब आटा। तो इसको हम एक पैन में रोस्ट कर लेंगे। ये नॉर्मल आटा है जो हम घर में यूज करते हैं रोटी बनाने के लिए। तो इसको अच्छे तरीके से पैन में रोस्ट कर लेंगे, और जब आटे का कलर चेंज हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon के करीब निहारी मसाला। और अगर आप स्पाइस कम लाइक करते हैं तो आप यहाँ पे इसमें 1/2 tablespoon डाल दें निहारी मसाला। और ये देखिए, जब आटा अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए तो बस अब हम इसको निकाल देंगे किसी भी बाउल में। और जब बाद में निहारी कुक हो जाएगी तो फिर हम इसमें पानी ऐड करके इसका एक बैटर रेडी करेंगे और इसको निहारी में ऐड करेंगे। तो ये निहारी में डालना बहुत जरूरी है, इसी से निहारी थिक भी होती है और उसमें टेस्ट भी आता है। ऑलमोस्ट 40 मिनट हो चुके हैं, अब हम निहारी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी जबरदस्ती निहारी रेडी हो चुकी है, और पानी भी बिल्कुल कम हो चुका है, उतना ही है जितना हमें चाहिए था।
तो अब ये सारा ऑयल इसके ऊपर आ गया है। अब हम ये सारा ऑयल निकाल लेंगे एक बाउल में। तो इस तरह से ऑयल निकालना भी बहुत जरूरी है, और अगर हम बैटर डालने से पहले ऑयल ना निकालें तो सारा ऑयल निहारी के अंदर ही मिक्स हो जाएगा। इसलिए अगर आप पहले ऑयल निकाल लेते हैं तो आप बाद में अपनी मर्जी से इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप ऑयल फ्री खाना चाहें तो आप इसमें दोबारा ऑयल मत डालें, लेकिन अगर आप चाहें तो बाद में गार्निश के लिए भी ऊपर ऑयल डाल सकते हैं, और आप जितना चाहें फिर आप अपने हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हैं। और अब रोस्टेड आटे में हम डालेंगे हाफ कप के करीब पानी, और इस तरह से एक बैटर रेडी कर लेंगे, और इस बैटर को डाल देंगे अब निहारी में। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर डालने के बाद हम निहारी को एक बॉयल और देंगे, और इस तरह से एक बोटी निकाल के चेक कर लेंगे। तो ये देखें ये कितने अच्छे से गली हुई है। तो बस निहारी के लिए मीट ऐसे ही गला होना चाहिए। ये देखें कितनी थिक सी निहारी हमारी रेडी हो गई है बैटर डालने के बाद। और अब बस मैं सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए एक बार प्रेशर बंद करके रखूंगी ताकि बैटर बहुत अच्छे तरीके से निहारी में मिक्स हो जाए। और ये देखें अब मैंने इसको चेक कर लिया है तो कितनी जबरदस्त सी हमारी निहारी रेडी हो चुकी है। और कुछ लोग निहारी को थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि ये रोस्टेड आटा ही यूज़ किया जाए। इससे ना सिर्फ निहारी थिक हो जाती है बल्कि इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल जैसे प्रोफेशनल निहारी होती है बाजार वाली, बिल्कुल उस तरह का इसका टेस्ट हो जाता है। तो ये देखें आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं कितनी नाइस है। बस ऐसी ही निहारी होती है जो आप बाजार से लाते हैं। तो अब पहले हम इसको सर्व कर लेते हैं, फिर हम इसको गार्निश करेंगे। तो ये देखें अब एंड में मैं इसके ऊपर ऑयल डाल दूंगी थोड़ा सा, और अगर आप बिल्कुल ऑयल फ्री खाना चाहें तो आप बाद में बेशक ऑयल इसके ऊपर मत डालें। और अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल दूंगी थोड़े से अदरक के स्लाइसेस जिनको मैंने इस तरह बारीक कट कर लिया था, और थोड़ी सी डालूंगी इसके ऊपर ग्रीन चिलीज, और ये ब्राउन प्याज मैं इसके ऊपर डालूंगी जो कि पहले मैंने निकाल दिया था, और लेमन डाल के। तो अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर धनिया भी डाल सकते हैं, ना चाहें तो बेशक मत डालें। मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देती हूँ धनिया इसके ऊपर। तो ये देखें कितनी जबरदस्त निहारी हमारी रेडी हो चुकी है। तो हमने भी सहरी में निहारी को नान के साथ एंजॉय किया है, तो अगर आप चाहें तो इसको घर के पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और नान के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत मज़े की होती है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर अपने घर में बनाइएगा, इसको ज़रूर ट्राई करें। अब मैं बहुत मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई करें, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अगर आपको मेरी ये आज की निहारी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को थम्स अप दें, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही के बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। इससे मेरे आने वाली हर नई और मज़े की वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।